तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टोर के अंदर जो कस्टम रूम कार्ड है दोस्तों गोल्ड पर आ चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे गोल्ड पर कैसे आया, तो गाइज मैंने एक सेटिंग यूज किया जिसके बदले में गोल्ड पर आ गया। तो चलिए मैं आप लोगों को परचेज करके दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया यहाँ पर भी गोल्ड पर आ चुका है। तो चलिए हम गोल्ड पर क्लिक करते हैं और कस्टम रूम कार्ड को ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने गोल्ड पर क्लिक किया मुझे कस्टम रूम कार्ड मिल गया। तो अगर आप लोग ट्रिक जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो गाइज वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से मैंने कस्टम रूम कार्ड को गोल्ड से बाई कर लिया। तो अगर आप लोग ट्रिक जानना चाहते हो तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्रिक को मिस कर दोगे, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना, आप लोगों को ट्रिक पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं। लेकिन ट्रिक जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। चलिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा। जैसे आप लोग सेटिंग को ओपन करोगे तो नीचे आप लोगों को नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों बीच में आप लोगों को चैट बबल नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, तो चैट बबल वाले ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना होगा। अगर आप लोग इसको ऑफ नहीं करोगे तो ट्रिक वर्क नहीं करेगा। अब आप लोगों को इधर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद गाइज अब आप लोगों को ऊपर एफ नाम का एक लोगो दिखेगा, तो इस लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही दोस्तों सेकंड नंबर पर आप लोगों को पॉलिसी का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो राइट में एक और ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोगों को राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना होगा। सेलेक्ट करते ही दोस्तों ऊपर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिखेगा, तो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप लोगों को इधर से बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद गाइज अब आप लोगों को कैरेक्टर वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा और कैरेक्टर को चेंज कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों हम फटाक से कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं। और आप लोगों को दोस्तों कैरेक्टर को चेंज करके एडम कैरेक्टर को सेलेक्ट करना होगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे एडम कैरेक्टर देखने को मिल रहा है और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप लोग एडम कैरेक्टर को इक्यूब कर लेते हो अब आप लोगों को इधर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद गाइज अब आप लोगों को लक रोल वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा। जैसे आप लोग लक रोल को ओपन करोगे तो नीचे गोल्ड रोल का ऑप्शन दिखेगा, तो गोल्ड रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही गाइस इधर आप लोगों को सिंगल स्पिन करना होगा। लेकिन स्पिन करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक यूज करना होगा, और ट्रिक यूज करने के लिए आप लोगों को बंडल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने बहुत सारा आइटम आ जाएगा। अब आप लोगों को किसी एक आइटम पर 4 से 5 बार क्लिक करना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे ये वाला टॉप काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस टॉप पर 4 से 5 बार क्लिक कर दिया। अब आप लोगों को सिंगल स्पिन कर देना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सिंगल स्पिन कर दिया और मेरे को एक सूज मिला है। अब आप लोगों को गोल्ड रोल के अंदर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद गाइज आप लोगों को गोल्ड रोल के अंदर से जो भी आइटम मिला होगा उसको यूज़ करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम फटाक से सूज को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे को गोल्ड रोल के अंदर से एक सूज मिला है। तो चलिए हम फटाक से उसको यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यू वाले ऑप्शन पर मेरे को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि गाइज मैंने ये वाला ट्रिक को यूज करके बहुत बार कस्टम रूम कार्ड को गोल्ड से बाई कर लिया, इसलिए गाइज मेरे पास पहले से ही वो वाला सूज होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किधर है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे को जो सूज मिला था मैंने उसको यूज़ कर लिया। और जैसे आप लोगों को जो गोल्ड रोल के अंदर से आइटम मिला होगा जैसे आप लोग उसको यूज़ कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा। जैसे आप लोग सेटिंग को ओपन करोगे तो नीचे आपको कस्टमर सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, तो अब आप लोगों को कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम फटाक से इस पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे आप लोग कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन को ओपन करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही दोस्तों आप लोगों को थोड़ा नीचे आना होगा और लास्ट में आपको पेमेंट इशू का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोगों को पेमेंट इशूज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही गाइज आप लोगों को दोबारा से नीचे जाना होगा, और जैसे आप लोग नीचे आओगे तो आपको दोस्तों सेकंड नंबर पर नेगेटिव डायमंड्स का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा नाम शो हो गया। अब आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा और बीच में आपको सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोगों को
सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद गाइस आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना होगा। जैसे नीचे आओगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन दिखेगा, अब आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना होगा और नीचे आपको बग रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोगों को बग रिपोर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना होगा। जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना होगा। तो चलिए दोस्तों हम फटाक से थोड़ा नीचे जाते हैं और आप लोगों को आगे का ट्रिक बताते हैं। और जैसे आप लोग नीचे आओगे तो आपका UID और आपका नाम शो हो जाएगा और उसके नीचे आपको डिवाइस का नेम दिखेगा। तो इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल का नाम लिखना होगा, जिस मोबाइल में आप लोग इस ट्रिक को यूज़ कर रहे हो उस मोबाइल का नाम आप लोगों को इधर लिख देना होगा। और उसके नीचे आपको OS वर्जन का ऑप्शन दिखेगा, तो OS वर्जन के अंदर दोस्तों आप लोगों को कस्टम रूम कार्ड इन गोल्ड लिखना होगा। अगर आप लोग इधर छोटा सा भी मिस्टेक करते हो तो ट्रिक वर्क नहीं करेगा। जैसे आप लोग कस्टम रूम कार्ड इन गोल्ड लिख देते हो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे आना होगा और आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर ट्रिक लगा देना होगा। ट्रिक लगाने के बाद गाइस आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो अब आप लोगों को इधर से कट कर देना होगा। कट करने के बाद गाइस ऊपर आप लोगों को लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, तो लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आप लोगों को रोमाना का ऑप्शन दिखेगा, इस तो रोमाना वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा और ओके पर क्लिक करके कंफर्म कर देना होगा। जैसे कंफर्म कर देते हो अब आप लोगों को लॉगआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गेम को लॉगआउट कर देना होगा। और जैसे आप लोग अपने गेम को लॉगआउट कर देते हो अब आप लोगों को उसी ID को लॉगिन करना होगा जिस ID में स्टिक को यूज़ कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों फटाक से उसी ID को लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपने ID को लॉगिन कर लिया। और जैसे आपका ID लॉगिन हो जाता है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को गेम को ओपन करना होगा। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने गेम को ओपन कर लिया। और जैसे आपका गेम ओपन होता है सबसे पहले आप लोगों को इवेंट वाले सेक्शन को इधर से हटा देना होगा। जैसे इवेंट को इधर से हटा देते हो अब आप लोगों को एक लास्ट ट्रिक यूज करना होगा। और लास्ट ट्रिक यूज करने के लिए आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। जैसे आप लोग सेटिंग को ओपन करोगे तो नीचे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में चैट बबल वाले ऑप्शन को ऑफ किया था तो इसको आप लोगों को दोबारा से ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद आप लोगों को बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइज आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज को चेंज करके माना पर सेलेक्ट किया था तो आप लोगों को इसको दोबारा से इंग्लिश कर देना होगा। तो चलिए हम फटाक से लैंग्वेज को इंग्लिश कर देते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने लैंग्वेज को इंग्लिश कर दिया। अब आप लोगों को नीचे सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद गाइस रिपोर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसे रिपोर्ट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही दोस्तों ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को इधर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद गाइस आप लोगों को स्टोर को ओपन करना होगा। तो चलिए हम फटाक से स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने स्टोर वाले ऑप्शन को ओपन कर लिया है। तो चलिए हम फटाक से आइटम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कस्टम रूम कार्ड गोल्ड पर आया या फिर नहीं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने आइटम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया यहां पर जो 3 कस्टम रूम कार्ड ऊपर देखने को मिल रहा है सभी के सभी दोस्तों गोल्ड पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम फटाक से कस्टम गोल्ड से बाई कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया यहां पर भी गोल्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम गोल्ड पर क्लिक करते हैं और कस्टम को ले लेते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने गोल्ड पर क्लिक किया मुझे कस्टम रूम कार्ड मिल गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।